हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 10:30 या 11 बज रहे होंगे। तो मेरा जो काम है थोड़ा जल्दी निपट गया है, सब काम हो गया है मॉर्निंग का जो जो काम होता है। और ये साइड में दूध वाला भैया आए थे तो ये दूध रखा हुआ है, तो मैंने कहा साथ ही साथ फेस पैक वगैरह भी लगा लेती हूँ। और ये फेस पैक मुल्तानी मिट्टी है, ओरिगेंस का है, और साथ में ये मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ और एकदम थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर रही हूँ और फिर अच्छे तरीके से मिला लूँगी। और ये मैं दोबारा से डाल रही हूँ, थोड़ा सा ना पतला हो गया था तो मुझे थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एकदम थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया था तो मैं वही उसको अच्छे तरीके से मिला रही थी और थोड़ा ऐड ऑन कर रही थी। तो बस ये मैंने बना लिया है फेस पैक वगैरह, तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, पूरा गर्दन वगैरह में सब अच्छे तरीके से लगाती हूँ मैं। अगर मुँह पर लगाती हूँ तो साइड में आपको गर्दन वगैरह पर भी ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं नहाने से पहले ही लगाती हूँ, फिर नहाने के बाद एक्चुअली क्या होता है, फिर मुंह वगैरह धोते हैं, कोई कुछ इधर गिर जाता है, वो थोड़ा हल्का इधर गिर जाता है, फिर मुंह वगैरह धोते हैं तो गीला वगैरह हो जाता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे फेस पैक वगैरह सब अच्छे तरीके से लगा लिया था मैंने, और थोड़े थोड़े जो छुटपुट काम है मैं साथ साथ वो भी कर रही थी, थोड़े कर लिए थे। देखिए तभी थोड़ा सूख गया है और थोड़ा हल्का सा रह गया है, देखिए साइड में सूखा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है हैंड वॉश ये भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा ये भी डाल लेती हूँ। दो तीन दिन से खाली था, मतलब थोड़ा सा था एकदम, तो मैंने कहा जब तक मैं नहीं डालूँगी तब तक ये ऐसे खाली पड़ा रहेगा, तो मैंने कहा इसको मैं डाल ही देती हूँ। और बस ये थोड़ा सा हल्का सा ना मैं डाल रही थी तो थोड़ा सा गिर गया था, एकदम थोड़ा सा गिरा था, तो मैंने कहा ये जो डिब्बी में थोड़ा सा गिरा था, थोड़ा सा वॉश बेसिन में, मतलब उसी के साथ गिर गया था, तो फिर मैं उसी से लूफास लेकर डिब्बी को साफ़ कर रही थी और जहाँ जहाँ गिरा था वहीं पर मैं ऐसे वॉश बेसिन में मार रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, ये जो है हैंड वॉश है वो भी थोड़ा साफ़ हो गया और थोड़ा सा वॉश बेसिन भी क्लीन हो गया है। और ये जो पाउच है, शैशे है, ये गीला हो गया था हल्का सा, तो मैंने कहा इसको साइड में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मुंह वगैरह अच्छे तरीके से धो धाकर और उसके बाद मैं यहाँ पर नहा लूँगी। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने मुंह वगैरह धोने के बाद नहा धो लिया, उसके बाद मैंने टोनर लगा लिया था। और उसके बाद मेरे पास अब क्रीम वगैरह तो नहीं है, बोरोलिन वगैरह है, टोनर लगा लिया था, अभी थोड़ी देर रुक के बोरोलिन वगैरह लगा लिया था। और टोनर भी उसका बना रखा है मैंने, जो गुलाब जल और एलोवेरा जेल होता है उस दोनों को मिक्स करके तो मैंने टोनर बना रखा है। और ये मैंने जो चादर है बिछाई नहीं है, कल जो मैंने वीडियो डाला था ना उसका मॉर्निंग क्लीनिंग का, तो मैंने कल ही निकाली थी, तो फिर मेरे ना मन नहीं किया और फिर थोड़ा थक भी गई थी, टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली मेन बात। तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे बिछाऊंगी, तो ये मैं लाई हूँ वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लाई हूँ, पहले खा लेती हूँ फिर उसके बाद चादर वगैरह बिछाती हूँ और फिर वही थोड़ा देर बैठ के फिर आगे के काम करती हूँ। और ये रही क्रीशा, इसने भी खा लिया है, बस इसको तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ, आपने फेंक दिया ना वो, और इसने जैसे खा लेती है, पता नहीं इसने खाया ही नहीं खाया, खा लिया फिनिश कर लिया और ये बाहर टीवी देख रही है। तो चलिए पहले मैं फटाफट कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर ऐसे बैठ जाती हूँ और उसके बाद चादर बिछाती हूँ। सुबह से ना करते करते काम कभी छुटमुट ये वो थक जाते हैं, तो चलिए पहले खा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बिछा रही हूँ, चादर वगैरह बिछा रही हूँ। और ये जो मैंने जो पहले ही चादर थी वो मैंने इसके पिल्लो कवर वगैरह नहीं निकाले थे, बस ऐसे ही नहीं निकाले थे, चादर तो निकाल दी थी बट मैंने कहा अब निकालूंगी पिल्लो कवर वगैरह, तब तक चादर वगैरह बिछा लेती हूँ। तो ये जो चादर है ना छोटी है, घुसती नहीं है, मतलब साइड में गद्दों के, और हाँ जो बड़ी होती है वो तो इजिली घुस जाती है या लगा लेते हैं, इसको ना कंघी से, जो साइड के कोने होते हैं ना कंघी से करना पड़ता है, उससे सही रहता है एकदम। तो चादर भिज गई है और इसको मैं मशीन में डाल के आती हूँ, जब भी मशीन लगाऊंगी तभी धोऊंगी, और अगर नहीं लगाऊंगी तो हाथ वगैरह से धो लूंगी चादर वगैरह। और अब मैं बना लेती हूँ, पहले बाल बाल बना लेती हूँ, आ जाओ।
अभी मैं बनाऊंगी मैंगो शेक बनाऊंगी, और दोपहर के लिए मैंने खाने का आलू टमाटर वगैरह काट लिए हैं और प्याज वगैरह काट लिए, पुलाव बनाऊंगी और साथ में दही के साथ खा लेंगे, और मैंगो शेक बना रही हूँ। तो चलो मैंगो निकाल लेती हूँ। ये जो मैंगो है ये ना कल हमने टेस्ट किया था तो थोड़ा सा वो हो रहा था, खट्टा सा हो रहा था, तो छोड़ दिया। मैंने कहा इसका शेक ही बनाऊंगी। और इसमें से मैं आधा काट लूंगी, और थोड़ा सा क्रीशा भी खाती है वैसी। ये वाले मीठे हो रहे हैं, ये वाला नहीं हो रहा था। ये देखिए, कह रहे थे ये मीठा है बट ये मीठा नहीं निकले, ये वाले मीठे निकले। और आज थोड़ा सा फ्रिज भी थोड़ा साफ करना है, ये देखिए गन्ना वगैरह हो रहा है, ऐसे थोड़े थोड़े ना दाग पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते रहते हैं ना, तो बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का गर्म पानी से सर्फ वगैरह डालकर साफ करूंगी। अभी नहीं, पहले खाना वगैरह बना लूं कर लूं, फिर टाइम मिलेगा उसके बाद। तो चलिए पहले मैं ये आम वगैरह काट लेती हूँ, शेक वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया। पहले शेक बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद बनाऊंगी पुलाव वगैरह। हम तो जो नॉर्मली होता है वैसे ज्यादा ठंडा नहीं पीते, हस्बैंड थोड़ा सा ठंडा पीते हैं तो फ्रिज में रखना पड़ता है, और शीशा तो थोड़ा सा पीती है, और मैं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में पीती हूँ, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए। तो आजकल तो ठंडा वगैरह भी बहुत कम कर रखा है। इसको धो लेती हूँ अब। जो मीठा वाला था उसमें से ये आधा काट लिया है, ये क्रीशा को दूंगी अभी काट के दो जाके। तो मैंगो वगैरह काटने के बाद जैसे नॉर्मली चीनी वगैरह होता है वो डाल देती हूँ, चीनी उसके अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आम मीठा होता है तो थोड़ी कम डालती हूँ, अगर वो खट्टा होता है तो थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, मतलब जैसे मीठा वगैरह पसंद होता है उसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देन दूध वगैरह डाल लेती हूँ, और दो तीन टुकड़े मैंने बर्फ़ के डाल लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालती हूँ, एकदम थोड़ा सा डालती हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है रूह अफ़ज़े में, रूह अफ़ज़ा डाल के मैंगो शेक में, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। बस अब अच्छे तरीके से मैं मिक्सी में ग्राइंड वगैरह कर लूंगी, और थोड़ा दूध मैंने दोबारा से डाल लिया था। मैंने शेक वगैरह बना लिया है, और साथ में ये क्रीशा के लिए मैंगो काट दिया है। ये रहा हमारा शेक, और ये क्रीशा का थोड़ा सा एकदम, इतना भी पी ले बहुत बड़ी बात है। चलो, और ये साथ में कह रही है मैं ये भी खाऊंगी, बोल रही है पता नहीं खाती नहीं खाती। और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये बाल वगैरह बिल्कुल नहीं बांधती, कितनी बार मैं इसके रबड़ बैंड लगाती हूँ, कितनी बार क्लिप लगाती हूँ पता नहीं, फिर निकाल निकाल के कहाँ फेंक देती है मुझे खुद नहीं पता चलता। तो ये देखिए यहाँ पर क्रीशा को मैंने शेक और जो मैंगो कट करके दोनों दिया था, तो कैसे खा रही है, मैं कह रही थोड़ा मुझको दे दे तो मुझे इतना दूर कर रही है, वैसे तो दे देती है बट ऐसी मतलब जैसे आम वगैरह होता है इसको कम देती है, इसको मीठा आम होता है तो बहुत ये खा लेती है बड़े मज़े से, बट जो खट्टे वगैरह आम होते हैं वो नहीं खाती। और अभी उसे मैंगो शेक दे रखा है ना, इसलिए कभी उसमें मिक्स कर रही है कभी उसमें मिक्स कर रही है, अगर सिर्फ मैंगो मैंगो देती हूँ मीठा वगैरह तो ईजिली बार बार खा लेती है और दोबारा से मांगती है। और ये थोड़ा सा शेक है, और इसको मैंने थोड़ा सा दिया क्योंकि मुझे पता है इतना भी पी ले बहुत है, बट वो इतना भी नहीं पिएगी, इसमें से भी ये छोड़ देती है। तो थोड़ा सा उसने मैंगो खा लिया था, थोड़ा मैंने खा लिया था, और ये थोड़ा सा शेक पी लेगी, थोड़ा सा हैवी होता है शेक तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ी देर पेट भर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुलाव वगैरह बना लिए हैं, ये यहाँ पर बना के रख दी है, अभी थोड़ा सेट वेट हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद खाऊंगी, मतलब खाएंगे। तो ये रहा लंच, पुलाव अचार दही और साथ में मैंगो शेक, तो चलिए खा लेते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और बर्तन है वो बाद में धोऊंगी, तो मैंने कहा पहले फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, गंदा हो रहा है, नहीं अगर फिर छोड़ दिया ना मैंने तो और गंदा हो जाएगा। गरम पानी में सर्फ वगैरह डालकर, तो मैं फटाफट वहीं से ले लेकर आ रही हूँ, वहीं से कर रही हूँ, मतलब वहीं से धो रही हूँ और फिर यहाँ पर आगे कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ना गिर जाता है सारा, फिर ये क्रीशा इधर उधर आती है, फिर हाथ ना लगा दे। फटाफट करना है, वो क्विकली वाला करना है साफ। सब्जी फूट वाला है वो मैं बस ऊपरी ऊपरी से कर रही हूँ, उसको निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन पहले किया था। उस साइड का फ्रिज क्लीन हो गया, मतलब उस साइड का, और अब ये जो डोर की साइड है मैं साथ साथ सामान निकाले भी जा रही हूँ और साफ़ भी करते जा रही हूँ फिर, और साथ ही साथ मैं सामान जो है सेट भी करते जा रही हूँ, और क्योंकि किच आ रही थी, कोई चीज़ लेके जा रही थी, तो मैंने कहा साथ ही साथ साफ़ भी कर देती हूँ और साथ ही साथ सामान को ऑर्गेनाइज़ वगैरह भी कर देती हूँ। और बार बार मैं वही पानी और जो मैंने सर्फ और गर्म पानी वो मिक्स कर रखा है, तो मैं उसको बार बार कपड़े को धोने भी जा रही थी साथ ही साथ में, और थोड़ा थोड़ा मैं बाहर से भी साफ़ कर रही थी। और बीच में कृषा ने जो है फ्रूट केक वगैरह जो फ्रिज में रखा हुआ है ब्रिटानिया का, तो साथ में उसने देख लिया था तो वो भी मांगा, तो उसको मैंने बीच में वो भी दिया। और बार बार कृषा भी, वही बच्चे तो आते ही जाते रहते हैं, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो ये देखें यहाँ पर कृषा दोबारा से आ गई है, कह रही थी और दे, बट मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं, तो फिर मैंने कहा जाओ जाके बैठ जाओ, तब जाके बैठी वो। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और सामान वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर दिया है, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है अब, और बाहर से भी कपड़ा मार लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, देखिए यहाँ पे दाग वगैरह पड़े थे ना थोड़े थोड़े, जो सब अच्छे तरीके से कर लिया है क्लीन वगैरह, और पूरा सामान अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो हो गया पूरा अच्छे तरीके से, फ्रिज क्लीन हो गया, और अब बर्तन वगैरह है वो धोऊंगी अभी, और फिर उसके बाद देन कपड़े वगैरह ना मैंने लेकर आ गई हूँ कपड़े, तो फोल्ड वगैरह करूंगी धीरे धीरे करूंगी, और ये थोड़ा सो जाए फिर उसके बाद मुझे ना तेल वेल लगाना है बालों पर। तो चलिए मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ, मतलब ऐसे ही लेट जाती हूँ, ये भी भारी है अभी, ये भी सो ही जाएगी अब थोड़ी देर में। तो प्रीशा तो अभी सो नहीं रही है, तो मैं तब तक मैं ऑयल वगैरह ही लगा लेती हूँ, और मैंने जो है बर्तन वगैरह धो लिए हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड वगैरह सब कर लिए हैं, मैंने कहा अभी तो नहीं सो रही तो मैं क्यों ना तेल ही लगा लूं, कल बाल धोने हैं ना। और अब मैं ऑयल लगाऊंगी, ये भी मेरे साथ आ जाएगी, फिर ये सोएगी ना, मैं ऑयल वेल लगा लेती हूँ, फिर ये बाद जब भी सो जाए हाँ आधे पौने घंटे बाद, फिर मुझे पढ़ाई वगैरह भी करनी है ना, तो मैंने कहा ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ूंगी, क्योंकि अभी उठी हुई है तो ये पढ़ने तो देगी नहीं। तो ये भी यहीं पर आ गई है और मैं लगा लेती हूँ, मैं ये भी ऑरिगेंस का, ये अनियन ऑयल है, इसका जो ऊपर का कैप था मतलब स्प्रे जैसी थी वो ये टूट गया है वो। तो बाल वगैरह तो सुलझा लिए थे, और ऐसा नहीं है कि मैं ओरिगेंस के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो अभी आजकल मुझे ये सही लग रहे हैं तो मैं ये कर लेती हूँ, वैसे मुझे जो सही लगते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ।
दो ऑयल और थे मेरे पास, वो भी ऑरिगेन्स के थे, अनियन के नहीं थे, बट वो तो खत्म हो गए हैं। ये भी मांग रही है तो इसे खाली डिब्बी देनी पड़ रही है। ये थे मेरे पास पहले, ये थे ऑरिगेन्स के पहले, ये कलौंजी वाला और ये कैस्टर ऑयल, ये खत्म हो गए हैं, बस खाली डिब्बी रखी हुई है। मैंने कहा क्या पता कुछ जरूरत पड़ जाती है ना डिब्बियों की खाली। मान लो 2-3 महीने तक यही करती रहूं या बीच में बदल लूं, एकदम ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हाँ ये करना है तो बस यही करना हो, कोई कुछ करना ही नहीं है। या हेयर का हो या फेस का हो, ऐसे तो मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं करती। जैसे हेयर ऑयलिंग के अलग अलग ऑयल होते हैं, फेस के लिए होता है, तो जो मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है, तो वो मैं कर लेती हूँ। ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं है तो केमिकल फ्री होते हैं, जो थोड़े नेचुरल होते हैं तो वो मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। तो मैं तो ये कुछ टाइम से यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरी जो पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा, तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ऑरिगेन्स के। अच्छे हैं, प्योर है, नेचुरल है। और बीच बीच में कभी जो सरसों का तेल वगैरह होता है ना, वो भी यूज़ कर लेती हूँ, आपने देखा होगा। और जो रिक्वेस्टेड वीडियो आती है उसके लिए भी बनाना पड़ता है, तो सरसों के तेल भी वैसे ही अच्छे होते हैं काफ़ी। आज मैंने सोचा हुआ था पूरा फेस पैक वगैरह भी लगाऊंगी और ऑयलिंग वगैरह भी कर लूंगी, फिर कल बाल धो लूंगी। ऐसी रह जाता है, मैं फेस पैक वगैरह लगाना तो ना मैं भूल ही गई थी, ये 2 हफ्ते हो गए मे भी। तो चलिए मेरी ऑयलिंग वगैरह अच्छी तरीके से हो गई है, थोड़ी मसाज वगैरह भी कर ली है, अब इसको रखती हूँ और बाल बना के आती हूँ, फिर जूड़ा बना लूंगी। तो बात सुलझा ली है, अब तेल लगा लेना, थोड़ी फ्री हो गई, नहीं तो ना शाम को भी टेंशन रहती है कि ऑयल लगाना है ऑयल लगाना है। तो चलिए ये तो अभी सो नहीं रही है, मुझको शाम को जो है वो बनाऊंगी, बीन्स बनाऊंगी। तो मैं ना बीन्स वगैरह धो लेती हूँ। तो ये बीन्स वगैरह ना धो धा के रख देती हूँ, शाम को बनाऊंगी ना, बीन्स बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने बर्तन वगैरह भी है जो धो लिए थे। पहले ऑयल के हाथ धो लेती हूँ अच्छी तरीके से। धो लिए हैं और ये देखिए कृष्णा ने मेरे से पूरा बॉक्स मांगा था, तो ये देखिए इसने पूरी दुकान लगा दी इधर। अभी इसको मैं थोड़ी देर में जो है सुलाऊंगी, मैं तब तक अपनी ना कॉपी किताब वगैरह जो जो पढ़ना है ना वो निकाल लेती हूँ। और वैसे मैं मोबाइल में भी कभी कभार मतलब जैसे कुछ डाउनलोड वगैरह करके, अब इतनी मेमोरी तो नहीं होती बट थोड़ा बहुत कभी डाउनलोड वगैरह करके देख लिया, या कभी वैसे कुछ ऑनलाइन पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। तो अभी तो ग्रीषा जो है वो सो नहीं रही है, तो थोड़ी देर में मैं उसको भी सुलाती हूँ, क्योंकि सुलाना भी जरूरी है, जबरदस्ती सुलाऊंगी। अगर मैं सुलाऊंगी नहीं ना फिर वो मतलब कभी 7-7:30 बजे कहीं ऐसे बीच में ना सो जाए, तो अभी सुलाना जरूरी होता है उसको। और जो मेरा मोटा मोटा काम है मोस्टली सब हो ही चुका है, शाम को वही बस मेन खाना वगैरह बनाना है, वो तो मोस्टली सब हो चुका है। और ऑयलिंग का सबसे बड़ा झंझट था तो वो भी मैंने लगा लिया है। और ये भी उठी है ना, मैंने कहा जितने काम हो जाते हैं कर लेती हूँ, फिर ये सो जाएगी ना, फिर वो पढ़ाई वगैरह करनी होती है थोड़ी बहुत,
तो चलिए मैं भी करती हूँ व्लॉग का एंड। और आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइएगा और जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं प्लीज उसको भी देखिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।